Dear students, good morning. Today I am going to explain chapter number 2, whose title is Wonderful Waste. अब देखो, chapter का नाम है Wonderful Waste. ठीक है. अब waste का meaning तो क्या होता है? Unwanted things, जो चीज़ें useful ना हो, unuseful things. लेकिन कह रहा है कि waste wonderful. Wonderful कैसे हो सकता है waste? ठीक है, मतलब वंडरफुल का मतलब अच्छा, शानदार, ऐसा वेस्ट जो अच्छा बन जाए. अब इस चैप्टर में यही बात हम सीखेंगे कि कैसे कोई वेस्ट वंडरफुल हो सकता है. ठीक है, चैप्टर का टाइटल है ये वंडरफुल वेस्ट. सो चैप्टर पे चलते हैं. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. क्या कह रहा है कि वेस्ट है जो, वो क्वाइट का मतलब कम्प्लीटली, वेस्ट पूरी तरह से यूजफुल हो सकता है, बेनिफिशियल मतलब काम के लायक हो सकता है. यूजफुल का मतलब जो हमारे यूज में आ जाए, ऐसा हो सकता है वेस्ट. फाइंड आउट फॉर यूअर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. ये आप पता करेंगे इस स्टोरी को पढ़ के, खुद ही पता कर सकते हैं इस स्टोरी को पढ़ के. ठीक है, तो इस स्टोरी में चलते हैं. क्या स्टोरी है देखिए. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ordered a grand dinner in his palace. एक बार, once means एक बार, एक महाराजा थे कहाँ के, ट्रेवनकोर के. Do you know where is ट्रेवनकोर बेटे, कहाँ है बच्चों ट्रेवनकोर? ट्रेवनकोर actually केरला में है, और actually अभी ये तिरुवनंतपुरम जो capital है केरला की, पहले उसका नाम ट्रेवनकोर होता था. ठीक है, तो वहाँ के महाराजा थे, उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया एक ग्रैंड डिनर, एक बहुत बड़ा डिनर. ग्रैंड का मतलब मैग्निफिशेंट, मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा खाना बनता है, ऐसा डिनर. डिनर मतलब रात का खाना. इन हिज पैलेस, अपने महल में उन्होंने डिनर का ऑर्डर दिया. ठीक है, इन द आफ्टरनून, बिफोर द डिनर, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. दोपहर के समय, जब डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, अंदर आए किचन में, अंदर आए टू सर्वे, टू एग्जामिन. सर्वे का मतलब टू एग्जामिन, देखने के लिए. द डिशेज, जो डिशेज बनाई जा रही हैं उनको देखने के लिए आए. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो डिशेज फीस्ट में मतलब डिनर में सर्व करने के लिए बनाई जा रही थी, उनको सर्वे करने के लिए, वो उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको देखने के लिए वहाँ पर आए. ठीक है, फीस्ट मीन्स ग्रैंड डिनर, मतलब वही बड़े लेवल पे डिनर देना. वट आर यू गोइंग टू डू विद those vegetable scraps. अब राजा ने देखा कि वहाँ पर वेजिटेबल के स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब पीसीस पड़े हुए हैं, टुकड़े. ठीक है, तो वो उससे पूछता है कि what are you going to do, कि आप क्या करने जा रहे हैं इन वेजिटेबल के टुकड़ों के साथ. He asked the cook, उन्होंने कुक से पूछा, रसोइये से पूछा, कुक मीन्स रसोइया. Pointing to the basket of scraps near the cook, उस बास्केट की तरफ इशारा करते हुए. पॉइंटिंग मतलब इशारा करना. ठीक है, जो बास्केट ऑफ, किस बास्केट की तरफ, जो स्क्रैप्स की बास्केट थी, टुकड़ों जिसमें टुकड़े रखे हुए थे. ठीक है, स्क्रैप्स का मतलब पीसीस. नियर द कुक, जो रसोइये के पास टुकड़ों की बास्केट, टोकरी रखी हुई थी, बास्केट मतलब टोकरी रखी हुई थी, उसको पॉइंट करते हुए राजा ने कुक से पूछा कि क्या करने जा रहे हो इन वेजिटेबल के टुकड़ों के साथ. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट. कुक ने आंसर दिया, रिप्लाइड में तो आंसर्ड, कि वे वेस्ट हैं. वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देंगे. ठीक है, अब राजा क्या कह रहा है देखिए. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, कि तुम इन सब जो बिट्स मतलब स्मॉल पीसेस और छोटे पीसेस और मतलब थोड़े बड़े पीसेस भी थे. ठीक है, पीसेस जनरल पीसेस जो होते हैं,
तुम इन छोटे टुकड़ों को, मतलब बिट्स एंड पीसेस टोटल जिसका मिला के मीनिंग होता है स्मॉल पीसेस, ठीक है, तुम इन छोटे टुकड़ों, जो वेजिटेबल के छोटे टुकड़े हैं, इनको वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड ए वे टू यूज देम, इनको यूज करने का तरीका ढूंढो. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने सख्ती, स्टर्नली का सख्ती, स्ट्रिक्टली कमांडेड आदेश दिया, ठीक है, ऑर्डर्ड, कमांडेड का मतलब ऑर्डर्ड, क्या क्या राजा ने सख्ती से यानी कि स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया, एंड वॉकड अवे और चला गया. द कुक वाज इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का मतलब कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कन्फ्यूज्ड था वो, मतलब असमंजस में पड़ गया, चिंतित हो गया कि क्या करूँ अब मैं, ठीक है. कुक वाज इन ए फिक्स मतलब कुक वाज कन्फ्यूज्ड एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और स्टेयरिंग का मतलब लुकिंग कंटिन्यूसली, यानी कि घूरते हुए देख रहा था उनको, वो देख रहा था बार बार, लगातार देख रहा था उनको. घूरना होता है स्टेयरिंग का मीनिंग, स्टेयर का मीनिंग घूरना होता है, ठीक है. अब स्टेयरिंग है तो घूरते हुए, घूरते रहा और क्या किया, किसको घूरता रहा. द कुक वाज इन ए फिक्स, जो कुक था, रसोइया था, वो कन्फ्यूज्ड था और उन वेजिटेबल के टुकड़ों को कुछ देर तक लगातार देखता रहा, ठीक है. सडनली अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अब फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड का मतलब सडनली कोई आइडिया आना, केम सडनली एन आइडिया, ठीक है. तो एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया. ही टुक All the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे वेजिटेबल के टुकड़े लिए, उनको वॉश किया, साफ किया अच्छे से, ठीक है, वेल में तो अच्छे से. Then he put them into long, then he cut them into long strips. तब उसने उसके लंबे लंबे टुकड़े काटे, ठीक है, strips मतलब narrow pieces. लंबे और पतले टुकड़े काटे, ठीक है. ही पुट दैम इन ए ह्यूज पॉट, ह्यूज मीन्स बिग, वेरी बिग, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. उसने उनको, दैम मतलब उन टुकड़ों को, इन ए ह्यूज पॉट एक बड़े बर्तन में, पॉट मीन्स बर्तन, एक बड़े बर्तन में डाला, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर, और उसको आग पे पकने के लिए रख दिया, टू कुक मीन्स पकने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. उसके बाद उसने ग्राउंड मतलब पीसेस किए, क्रस्ट किया, बी जो हम क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग मशीन से करते हैं ना, ग्राउंड, ग्राउंड्स ग्राइंड की ही सेकेंड फॉर्म होती है, और इसका मतलब क्रस्ट करना, क्रस्ट किया. सम फ्रेश कोकोनट, फ्रेश मतलब ताजा नारियल को, ग्रीन चिलीज हरी मिर्चों को, एंड गार्लिक लहसुन को इकट्ठा उसने क्रश कर लिया, पीस लिया, मतलब कि पीसा, ग्राउंड मतलब पीस लिया. ही एडेड दिस पेस्ट, अब उसने जो पेस्ट बनाया किस किस का, फ्रेश कोकोनट का, ग्रीन चिलीज का, एंड गार्लिक का, उसको ऐड कर दिया उस पोट के, उन सब्जियों में जो उन्होंने पीसेस डाले थे उनमें. एंड सम सोल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसने वो पेस्ट डाल दिया और नमक भी डाल दिया पकती हुई सब्जियों में, ठीक है, कुकिंग वेजिटेबल्स मतलब पकती हुई सब्जियाँ. A tempting स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट. टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिव, ऐसी स्मेल जो हमें लुभाती है, आकर्षित करती है, लुभाने वाली स्मेल, एक लुभाने वाली स्मेल आनी शुरू हो गई बर्तन से, ठीक है. नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी. अब उसने कुछ दही, कर्ड मतलब दही को व्हिप्ड किया, व्हिप्ड का मतलब समझते हो, बीट, बीट करते हैं ना हम, बीटर होता है जो उससे
मतलब घुमाते हैं एक तरह से अच्छे से, ठीक है। विप्ड सम कर्ड, कर्ड को विप किया मतलब बीट किया, एंड एडिड इट टू द करी, और उसकी तरी में डाल दिया, जो करी मतलब उसका जो पानी होता है एक तरह से, जिसको हम रस्सा बोलते हैं आपके यहाँ पे, करी मतलब तरी में डाल दिया। ही आल्सो पोर्ड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, पोर्ड का मतलब पुट करना, उसने कुछ चम्मच, फ्यू स्पूनफुल्स मतलब कुछ चम्मच भर के नारियल तेल की भी डाली, पुट की, एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और डिश को किससे डेकोरेट कर दिया उसने, मतलब सजा दिया करी लीव्स से, कड़ी पत्ता के लीव्स, कड़ी पत्ता होता है उनसे, ठीक है, उनसे सजा दिया। अब लो एंड बिहोल्ड, देखो मतलब कितना सुंदर, कितनी अच्छी डिश बन गई है, देखो मतलब एक तरह से आश्चर्य से वो कह रहा है, ठीक है। अरे देखो मतलब लो देखो ये बन गई, ठीक है, लो देखो, ना न्यू डिश वाज रेडी, नई डिश तैयार है, ठीक है। अब डिश का मतलब भोजन, ठीक है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, कुक ने उस नई डिश को जो गेस्ट थे उनके सामने उस शाम को उस डिश को सर्व किया, परोसा, ठीक है। तो क्या है, जो रसोईया है उसने उस नई डिश को मेहमानों के सामने उस शाम परोसा। एवरी वन वाज ईगर टू नो, ईगर का मतलब कीन टू नो, कीन ईगर मतलब कीन मतलब इच्छुक थे जानने के, इच्छुक, कीन मतलब इच्छुक। एवरी वन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर कोई उस नई डिश का नाम जानने का इच्छुक था, मतलब जानना चाहता था। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने बार बार सोचा मतलब सोचता रहा, ठीक है, क्या सोचता रहा कि क्या नाम होगा इस डिश का। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आया, ही नेम्ड इट एवियल, ठीक है, एवियल उसने उसका नाम रखा, ये भी उसी को तोड़ के बता रखा है एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फेस्ट, एवियल फेमस मतलब पॉपुलर हो गया ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में, और अब नाउ मतलब अब वन ऑफ द डिशेज का मतलब एक मेन डिश है इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट, जो केरला का पारंपरिक भोजन है उसमें, ठीक है, पारंपरिक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मतलब जो पीछे कई सालों से चलता आ रहा है ऐसा खाना, उसको हम पारंपरिक बोलते हैं। एंड इमेजिन इट ओ इफ ऑल इट ऑल इट है एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और सोचो इमेजिन करो कि ये जो सारा मतलब ये इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, कि जो एवियल बना, ये जो खाना बना सारा, ये कहाँ से आया था, एक जो वेस्ट है जो यूजफुल नहीं है हमारे लिए, रद्दी है एक तरह से, रद्दी की टोकरी से आया था, ठीक है, मतलब इतना अच्छा खाना बन गया एक वेस्ट चीज़ से, तो वेस्ट चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए चीज़ों को ऐसे मतलब फेंकना नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए वर्ड मीनिंग पे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन, अब है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के लिए पहला वर्ड मीनिंग है क्वाइट, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली और फुली मतलब पूरी तरह से, ग्रैंड मतलब मैजेस्टिक और मैग्निफिशेंट और वेरी गुड यानी कि शानदार। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज सर्वे, सर्वे means to examine and it means निरीक्षण करना मतलब देखना, ठीक है। अब है फिस्ट, फिस्ट means grand dinner means दावत या भोज। scraps, leftover material or waste,
यानी कि बचा कुछा सामान या रद्दी सामान। नेक्स्ट वन इज बिट्स, स्मॉल पीसेस मीन्स छोटे टुकड़े। स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली, सख्ती से। नेक्स्ट वर्ड इज एट, इन ए फिक्स यानी कि कंफ्यूज्ड, और ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप, एक ऐसी सिचुएशन जिससे बचना मुश्किल हो, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति, यानी कि असमंजस की स्थिति, ऐसी कंडीशन जिसमें हम फंस जाते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन। तो इन फिक्स का मतलब कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट वन इज स्टेयरिंग, लुकिंग मीन्स लुकिंग कंटिन्यूसली एंड इट मीन्स घूरना। नेक्स्ट वन इज फ्लैश अक्रॉस द माइंड, केम सडनली इन टू द माइंड, कि अचानक से दिमाग में आना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, कम सडनली इन टू द माइंड, ठीक है, अचानक दिमाग में आना, अचानक से दिमाग में आना। नेक्स्ट स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मीन्स नैरो पीसेस, पतले टुकड़े। नेक्स्ट वन इज ह्यूज, वेरी बिग, बहुत बड़ा। ग्राउंड, नेक्स्ट वन इज ग्राउंड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड, ठीक है। क्रस्ट टू पाउडर, मतलब कि पीस दिया या पीसा। नेक्स्ट वन इज टैम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, लुभाने वाली। नेक्स्ट वन इज विप्ड मीन्स बीटेड एंड मीनिंग इन हिंदी फेंट दिया या फेंटना, विप मतलब फेंटना। पोर्ड पुट इन मतलब डाला, डालना होता है, पोर का मतलब डालना। डेकोरेटेड मतलब गार्निश्ड, गार्निश कर देना मतलब सजा देना। डेकोरेट का मतलब गार्निश होता है, सजाना। डेकोरेटेड है इसलिए गार्निश्ड आया, सेकेंड फॉर्म आई, सजा दिया, क्योंकि सारी स्टोरी पास्ट में थी इसलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड हेयर। नेक्स्ट वन इज ईगर, ईगर मीन्स कीन, एंड कीन मीन्स इच्छुक, मतलब जानने की इच्छा होना किसी को। सो ये थी एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।